फैन बहुत ज़्यादा तेज हो गया था एंड जिस वजह मेरे सर में हो गया दर्द। बट वेलकम बैक टू चैनल गाइस, ऑल द पास वेलकम, आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन एंड लो लो हो गया है। इट्स 4:30 इन द मॉर्निंग एंड मी बहुत ज़्यादा अपनी हरी पसंदी का मुझे थोड़ी बहुत आ रही है। ब्लॉग मैंने रात को अपलोडिंग में लगा दिया था, देखो कैसी की बनती है। कल का ब्लॉग एडिट कर रहा था मैंने, जब जो रूटीन है उसे तोड़ तो नहीं सकता ना। आज हम जा रहे हैं हरिद्वार, हरिद्वार जा रहे हैं गंगा जी में स्नान करें, कल वापस लगनी है। तो भाई बात ऐसी हुई कि अभी ना हमारे पास टाइम की थी सख्त कमी, ठीक है ना। तो सब कहने ये कहने लगे नहाले नहाले नहाले, मैंने नहाना क्यों है भाई, देख हरिद्वार जा रहे हैं अपन गंगा जी में, नहाने ही तो जा रहे हैं ना, ठीक है, तो अपने पाप धोने जा रहे हैं जो थोड़े बहुत हो जाते हैं। तो ये भाई देखो हवा चल रही है, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं पानी निकलूंगा फिर धूप लगेगी तो भाई गर्मी नहीं लगेगी, गर्मी तो तब भी लगेगी, अब भी लगेगी, मुँह हाथ धो लूँगा नहाने रहा। देखो बैचलर माइंड से कहते हैं कॉलेज स्टूडेंट, भाई इंजीनियर मुझे होना चाहिए था एक्चुअली। कुछ लोग होते हैं ना घटिया से ब्ले ले आ जाते हैं लेने सिर्फ मुंह उठा के डिग्री, होता कुछ नहीं उनसे। पहले व्लॉग अपलोड हो जाएगा देखना मत भूलना। वैसे मुझे ये चाहिए नहीं था यार, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, सुहाना मौसम हो रहा था, अच्छा लग रहा था, पर अब ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है यार धूप ना निकले। अगर चलो धूप निकल भी जाए पर समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, धूप ना निकले तो अच्छा यार, जो ट्रिप होती है ना वो हेक्टिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक मन लगता है, पर इट्स फाइन जैसा भी है। फिर नाश्ता करते हैं मैं इसमें चल के सबसे पहले, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी नाश्ता कर लेंगे तो इजी रहेगा। उसके बाद क्या होता है, अगर हम 8:30 बजे नाश्ता करने जाते तो ये नाश्ता अच्छे से नहीं होता। तो मेरे पापा जी ने एक बात बोली है दैट हमेशा नाश्ता राजा की तरह करो, दोपहर का खाना प्रजा की तरह, और जो रात का खाना है वो किसी गरीब की तरह फ़कीर की तरह। या तुम लाइक ऐसे करोगे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम गरीब बिल्कुल ख़त्म, यू आर नथिंग। ओके टाटा बाय बाय वाला। मैं पहली बार ऐसा हुआ कि मैं आज खुश हूँ, रीज़न यही है कि आज मैंने आलू की सब्ज़ी और पराठे, भाई पराठे बड़े मज़ा आ गए, आलू की सब्ज़ी के साथ तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो मैं से जितना पानी आ रहा है, इससे पहले पाव भाजी पर एक्साइटेड हुआ था, मेरे को पसंद नहीं, मानवी को पसंद आ जाती है, वरना पराठे लेने होते हैं अपने को 4 या 5 अगर नॉर्मल पराठे बनते हैं स्टफिंग वाले, उनको फिर बीच बीच से खाना होता है, साइड में कुछ नहीं। मैं दिखाऊंगा एक दिन आपको, अगर देखना है हॉस्टल की अपडेट, हॉस्टल लाइफ की अपडेट देखने ना, ये लिंक आ गया है, ये यूज़र नेम आ गया है, इस पर जाओ और चेकआउट करो। मस्त आराम से पैर फैला के वी हैव रीच सरसावा, सरसावा के बाद आएगा सहारनपुर, सहारनपुर के बाद सरसावा के बाद पक्का नहीं होता मुझे सहारनपुर आएगा नहीं आएगा, बट इट हैज बीन ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से 2 घंटे 1.5 घंटे हो जाएगा, ठीक है ना। अम्बाला कैंट को छोड़ भूख लगाई बहुत तेज, अब हमें हमारा प्लान ये था वंश हमको जो है सहारनपुर मिलेगा, हम अम्बाला कैंट से ट्रेन पकड़ लेंगे ऑल द बड़ारा, यानी कि हमारे जो यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी के सबसे पास से भी हमें मिल सकती थी ट्रेन, ऐसी कोई इशू नहीं थी। लेकिन एक इशू ये था कि पैसे ज़्यादा लग रहे थे, और बींग अ बनियास फ्रेंड आई विल रिकमेंड कि यहाँ पैसे बचें, क्योंकि देख मेरे को क्या करना था, मेरे को ब्रॉडकास्ट करनी थी वो मैं बस में बैठ के कर सकता था, एंड खुशी की बात यह कि मैंने 70 रुपये बचा लिया। तो सारा मुद्दा ये है कि हम सहारनपुर पहुँच गए, ठीक है, लेकिन सहारनपुर पहुँच के साथ ही इट इज़ लाइक 5-1 मिनट होने वाले हैं, ठीक है ना, ट्रेन को खड़े हुए, और वंश अभी तक नहीं आया, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हिम। ऑफ इसका छूट भाई, अगर छूट गया ना ट्रेन तो मज़ा बल्कि होना था, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमारा, पर मज़ा नहीं आएगा फिर, पर यार इट इज़ लाइक हाँ है वो अभी मैंने उसे फ़ोन किया, वो कहता मैं स्टेशन के पीछे हूँ, लेकिन अगर वो स्टेशन के पीछे है तो पीछे कहाँ है,
तो गलत है ना भाई, टाइम यार, इसीलिए तो भाई पंक्चुअलिटी इज अबव एवरीथिंग। ऐसे नहीं काम चलता, अगर लाइफ में पंक्चुअल नहीं हो आप अपने टाइम को लेके, तो यू कैन नॉट बी एनीथिंग। ओ बेटे, ओए नहीं यार, अरे यार ये जा guys are absolutely fine, so welcome back to the channel. आप सोच रहे होंगे मैं ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ, ये कौन है? तो मैं वंश दीवान, हाँ वही जो युवराज की बहुत सारी ब्लॉग्स में आता हूँ। तो हमने एक अलग प्लान बनाया, युवराज ने आपको बताया होगा हम टूर पे जा रहे हैं, तो मैंने अलग प्लान बनाया। अम्बाला से वो दोनों चढ़े हैं, हाँ मैं सहारनपुर से चढ़ूँगा। तो मैंने मानवीय को कहा कि मैं ना ट्रेन में लेट हो जाऊँगा, बट युवराज को कहूँगा कि भाई मैं लेट हो गया, मैं नहीं चढ़ पाया और ट्रेन यहाँ से डिपार्ट हो जाएगी, लेकिन मैं उसी टाइम किसी दूसरे डब्बे में ट्रेन में रहूँगा। और फिर मैंने मालवीय को कहा जब मैं एंटर होऊंगा, जब ट्रेन निकल जाएगी यहाँ से, तो मुझे इसका रिएक्शन नहीं पता है। एक तो मालवीय ने मुझे डरा दिया, कहती है ट्रेन आ गई, मैं वहाँ से भागता वक्त आ रहा हूँ, बाय। रिएक्शन कैसे होगा, यही तो बैठा ज़्यादा पोपट नहीं होता मेरा, मेरा सबसे ज़्यादा पोपट होता है। पोपट वाला सीन बता देता हूँ क्या हुआ। मैं व्लॉग कर रहा था, मैंने व्लॉग स्टार्ट भी कर दिया था, लेकिन मतलब व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, बेसिकली मैं तब से बोले जा रहा था एंड रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी। पर तो अब मैं बात करता हूँ मुद्दा खाने की, खाना बहुत टेस्टी था, वंश घर से लाया। एंड पहला पॉइंट खाना, थम्स अप, मज़ा आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रैवलिंग थम्स अप, मौसम थम्स अप, ट्रेन की पंक्चुअलिटी थम्स अप, क्लीनिनेस थम्स अप, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बहुत ईजिली अपन पहुँच गए, बिकॉज अब इट्स हार्डली 25-20 मिनट्स लेफ्ट कि हम अपने स्टेशन पर उतरेंगे, एंड आफ्टर दैट मज़ा आएगा। और क्या चाहिए यार ज़िंदगी में, ज़िंदगी और क्या मांगती है, ज़िंदगी सिर्फ मांगती है कि तुम घूमो फिरो, खाओ पियो और ऐश करो, ठीक है ना। एंड इतना प्यारा एंड सुंदर डिसेंट व्यू, थम्स अप। अब मिलेंगे आपको सीधा स्टेशन पे, वहाँ पे जाके डिसाइड करता हूँ कि नया व्लॉग स्टार्ट करना है या इसी को कंटिन्यू करना है। तो फाइनली वी हैव रीच्ड द लाइक हरिद्वार जंक्शन एंड इट्स गुड, ठीक है, बहुत अच्छे से हुआ सफ़र। तो अभी सबसे बड़ी मुश्किल बात ये आ रही है, पहले प्लान करते हैं स्टे करना है, पहले जहाँ पे स्टे करना है वहाँ जाना है या नहीं, या पहले सीधा हर की पौड़ी या चंडीगढ़ चलते हैं। तो हम ये डिसाइड कर रहे थे कहाँ जाना है, तो भैया देखा जाए ना, अगर स्टे जाएँ जहाँ पे हमारी लोकेशन है, जहाँ पे हमें स्टे करना है, अगर हम वहाँ जाने लगे, एग्जिट उस साइड है ना, आओ चलो, अगर हम जहाँ पे हमें सो बहुत मज़ा आया, ठीक है ना, भाव तेज था इस वजह से ज़्यादा नहा नहीं पाए, पर इट इज़ लाइक गुड, इट वॉज गुड। एंड सारी बात ऐसी है कि अब प्लानिंग कर रहे हैं, मेरे को आज जाके याद आया, इट इज़ ऑलमोस्ट 1 ईयर कि मेरा पहला व्लॉग जो शूट हुआ था वो मनसा देवी पे हुआ था, मैंने ऋषिकेश हरिद्वार किया था, ठीक है ना। एंड इस बार मैंने फिर से अम्बाला हरिद्वार करा, इट वॉज अ क्विक प्लान, एंड वही एक साल हुआ है, ठीक है ना, एक साल ही हुआ इन सब जो एक्टिविटीज़ थी, मेरा व्लॉगिंग जो स्टार्ट हुआ था उसे एक साल हो गया, एंड इतना प्यार आप लोगों का मिला। फिलहाल पीते हैं चाय क्योंकि ठंड ज़्यादा लग रही है। तो डिसाइड ये क्या है कि ये वाला व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ठीक है ना। अभी तक जो भी अच्छा लगा उसके लिए एक छोटा लाइक तो देना, क्योंकि अब शाम को कुछ नया करेंगे, अच्छा करेंगे, ऐसा करेंगे जिसमें कि मज़ा आएगा। तो आज का व्लॉग बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो इफ यू लाइक दिस व्लॉग डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, जो लाइक का बटन है उसको एक चुम्मा देके जाओ, सब्सक्राइब का बटन को पप्पी देके जाओ, ठीक है ना, जो करना है करो। एंड मनसा देवी का व्लॉग आएगा उसके लिए पहले लाइक कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।